दोस्तों कहते हैं बिजनेस करने के लिए कुछ भी तरीका ठीक है, और आप कुछ भी बिजनेस करेंगे ना तो आपकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। एक कंपनी है जिसका नाम थोड़ा सा हल्का है, और ये कंपनी करती क्या है पहले आपको वो बताऊं। और इसकी स्टॉक मार्केट से इन्होंने फंडिंग लिया हुआ है, और जब इनको फंडिंग किसी कंपनी को फंडिंग की जरूरत होती है तो स्टॉक मार्केट से अपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेच के फंड लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। ऐसे ही एक कंपनी था जो स्टार्टिंग में रिटेल शॉप चलाती थी, और रिटेल शॉप चलाते चलाते इनके मन में आइडिया आया, क्यों नहीं हम एक बड़ी सी बिजनेस स्टेबल करें और स्टोर पे स्टोर खोलें, जहाँ पे हमारी स्टोर की जो इनकम सोर्स होगा वो काफ़ी इंक्रीज करेगा। और वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो दूसरे की प्रोडक्ट को स्टोर में रखती है और बेचती है। ऐसे कंपनी का नाम है आदित्य विजन। और आदित्य विजन क्या करती है उसके बारे में चलते हैं। आदित्य विजन जो है मॉडर्न मल्टी ब्रांड्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन है, ठीक है। ये सबसे आजकल जो मार्केट में चलती है ना, मार्केट में शॉप्स एक बड़ी एक ही बड़ी सी रूफ के नीचे सब कुछ मिल जाए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, तो ऐसे ही ब्रांड इसने स्टार्ट किया। वो भी स्टार्ट किया था हेडक्वार्टर इन द पटना, बिहार की कंपनी है, और शायद बिहार से स्टार्ट किया था, हेडक्वार्टर इन बिहार में, और झारखंड में इसकी और भी ब्रांचेज खोली थी, बाद में उसने उत्तर प्रदेश अर्थात तीन स्टेट में ये काम करती है। रिसेंटली ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार एंड द ऑल मेजर यूनिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, बिहार यूपी और झारखंड के अंदर। और इसकी जो कैपेसिटी है इतनी जो है इनक्रेडिबल है, वो आपको स्टॉक से पता चलेगा, स्टॉक की रेंज से पता चलेगा, जो कि स्टॉक का रेंज एक साल पहले 1400 1500 का स्टॉक था, वो स्टॉक हो गया, स्टॉक मार्केट में रिएक्शन करते करते 3800 3400 3100 के आसपास चला गया। हम इसी स्टॉक की बात करने वाले हैं। स्टॉक में आज मार्केट जैसे गिर रहा है, आज मार्केट में जैसे कि सेंसेक्स के अंदर जो बड़ी इंडेक्सेशन है जिसको सेंसेक्स कहते हैं मेन इंडेक्स, उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन ये स्टॉक है आदित्य विजन्स लिमिटेड जिसमें 4% से ज़्यादा की ग्रोथ लेवल है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ लेवल, जो कि 3400 के आसपास क्रॉस एक अपनी लेवल्स को बनाने के फिराक में लगा हुआ है। अब जानते हैं इसका फंडामेंटल्स, जानते हैं इसका कंपनी के एक्सपेंसेस प्लान, और जानते हैं इसका टेक्निकल, जो कि किया क्या ये मल्टी वैगर्स बनने वाला स्टॉक्स है या मल्टी वैगर्स बन के रिवेन्यू दे चुका है लोग इन्वेस्टर्स को, इनका ग्रोथ लेवल बना चुका है एक स्टेबिलिटी के साथ। तो 52 वीक की हाई की बात करें तो करीब 4000 के आसपास गया था स्टॉक, और 52 वीक की लो की बात करें तो 1251 पे था। इसका जो नीचे का बॉटम का लेवल है, बॉटम के लेवल से जो टॉप लेवल है वो काफ़ी गैप है, उस काफ़ी गैप में इतनी बड़ी उछाल छलांग लगाती है कंपनी। क्या करती है, केबल और केबल स्टोर है, स्टोर चेन है, और साथ में ये मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेचती है अपनी तीन स्टेट के अंदर। ज़्यादा उनकी मार्केट वो भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है, दो ज़्यादा स्टेट भी कवर नहीं करता, ओनली बिहार झारखंड एंड यूपी में ये काम करती है। इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इसका 10 रुपया, और मार्केट का में काम जो करती है स्मॉल कैप में आती है, बहुत छोटी कैप है, और स्पेशलिटी रिटेल्स में काम करती है ये। साथ में इसके चार्ट हमने देखा, एक साल में अच्छी खासी जंप है। हम चलते हैं एक दिन के चार्ट में, एक दिन के चार्ट में 4% के आसपास की जंप देखने को मिली है। 5 दिन के चार्ट देखो तो 5 दिन के चार्ट में थोड़ी सी गिरावट है, ये बैक टू बैक थोड़ा सा बॉटम बनाने का प्रयास अपना एक स्टेबिलिटी कर रहा है, जो कि इसका टारगेट 3200 के आसपास का एक इसका एक बॉटम लाइन बन के आती है, जहाँ पे ये स्टेबिलिटी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहाँ से बार बार ये गिरता जा रहा है। अभी दोबारा इसने प्रयास किया है बनाने के लिए। साथ में देखो यहाँ पे 1 महीने के चार्ट, 1 महीने के चार्ट में बीच में एकाएक गिरावट आई थी स्टॉक के अंदर, जब गिरावट आई तो बड़ी गिरावट आई थी, और गिरावट के बाद दोबारा चढ़ा था स्टॉक्स। यहाँ पे ट्रेडर्स का पार्ट बड़ा इमोशनल बड़ा हैवी होते हैं, और हैवी की वजह से ये यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर्स मान लेते हैं 3500 के आसपास ट्रेड करते हैं और बिकवाली कर देते हैं बैक टू बैक, और दोबारा इसमें जब खरीदारी का मौका आता है तो खरीदारी कहाँ आती है, यहाँ पे आती है, और जब खरीदारी का मौका आता है तो दोबारा मान लेते हैं यहाँ पे उसने 3200 के आसपास लिया, 3500 के आसपास बेचा था, 3200 पे लिया 10% नीचे के आसपास, अब भी दोबारा इसमें जैसे लिए तो इसका मोमेंटम और इंक्रीज करता गया। ऐसे ही मोमेंट होती है मार्केट का। 3 महीने के चार्ट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, बीच में इसका जो
चार्ट दिखता है, चार्ट में अच्छी खासी बिकवाली भी होती है, चार्ट में अच्छी खासी जंप भी लगाती है। 6 महीने की ओवरऑल चार्ट देखें तो 6 महीने के चार्ट में इसका ग्रो लेवल बरकरार चल रही है। स्टॉक के लिहाज से 1 साल के चार्ट में अच्छी खासी जंप लगा चुकी है मार्केट में, और कारोबार अभी भी ये स्मॉल कैप के अंदर 5% 4% से आसपास की ग्रो लेवल दर्ज कर रही है। यहाँ पे बायर्स के साइड बुलिश नजर आ रहा है। इसका स्टॉक 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 3200 पे एक अपना लेवल्स बनाने का प्रयास कर रहा है बैक टू बैक। ये इस कंपनी बैक टू बैक शोरूम खोलती जा रही है। अभी 28 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आया था जहाँ पे इन्होंने शोरूम खोला है, 31 तारीख को इन्फॉर्मेशन आया था जहाँ पे शोरूम खोला है, शोरूम ओपनिंग करने जा रही है कंपनी। हम जानते हैं ये लास्ट कहाँ पे ओपनिंग करने जा रहे हैं, कुछ न्यू स्टेट्स में करने जा रहे हैं या कुछ पुराने स्टेट्स में ही है। ऐसे ही देखें इसका डेटा तो डेटा बेस में दिखता है, जो आदित्य विजन्स लिमिटेड हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हर जगह 31 मार्च को इन्होंने दिया है कि सुभाष नगर, गोला बाजार, कैलसा, खुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये अपनी शोरूम्स ओपन करने वाले हैं। 144th शोरूम है, 144वां शोरूम है, और 145वां शोरूम जो है पुरानी बाजार नारकलगंज वेस्ट चंपारण बिहार में ओपन करने जा रहे हैं। दो शोरूम है जो इनका अभी ओपनिंग रिसेंटली होने वाला है और हो रहा है। इसकी करीब करीब 145 शोरूम्स इसके हिसाब से हो गया टोटल। तो इसके बेसिस पे देखिए इसका स्टॉक की रेट कितनी हाई लेवल पे चल रही है, ग्रोथ कर रही है। जानते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर क्या इसका डिविडेंड का पार्ट है। बड़ा अट्रैक्टिव है कंपनी, एक एक शोरूम चलाने वाली कंपनी मार्केट में आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। उसके साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डिविडेंड का पार्ट भी देती है। 22 के अंदर भी देता है 5-6 रुपये का, 23 के अंदर भी देता है 7.5 रुपये का, 24 के अंदर भी इसने डिक्लेयर कर चुका है 28 मार्च को, जो कि 5.10 रुपये का था। तो इसका और देखा डेटा देखें जो कि रिजल्ट वाला पार्ट है। रिजल्ट वाले पार्ट में भी बड़ा इनक्रेडिबल इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो इंक्रीड कर रहा है। अब देखिए जो कि 313 करोड़ से जंप करते करते 413 करोड़ हो जाता है एक क्वार्टर में जंप के बेसिस पे, जबकि जो नेट प्रॉफिट था इनका वो केवल 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास था, वो डबल हो जाता है, करीब 22 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, 22 करोड़ 17 लाख के आसपास हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो करीब पहले क्वार्टर में 3.08% के आसपास थी, वो इंक्रीज करके 5.36% के आसपास हो जाती है। यही एक इनक्रेडिबल चीज़ होती है जो एक कंपनी जो कि शोरूम्स ओपन करती है और शोरूम से इतनी अर्निंग होती है, जो इतनी आपको डिविडेंड पे करती है, साथ में आपको स्टॉक की रेट तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। प्रमोटर की बात करें तो 55% के पास प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और 44% के पास जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास, आम लोगों के पास है। अब आम लोगों में कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। एनालिसिस की बात करें जो उसकी डेटा कहती है, डेटा के बेसिस पे देखने में आती है 5 साल पहले लिस्टिंग हुई थी कंपनी, 5 साल में इसकी जो ग्रोथ है 6000% की ग्रोथ है। ये मल्टी बैगर 6 साल में बना है 5 साल के अंदर, लेकिन इसको करंटली कुछ पीरियड में देखें 3 साल, तो 3 साल के बाद देखें तो मुझे लगता है इसने कोविड के टाइम पे 24 कोविड से पहले इसने अपनी कंपनी लिस्टिंग करवाई थी। उसके बाद कोविड के बाद थोड़ी सी इसमें डाउनशेड आई है, जो कि ऑनलाइन सेल्स भी ज़्यादा होने लगा होगा, ये ऑनलाइन सेल्स भी करती होगी ऐसा है इसका जो कि रिटेल चेंज है। तो 3 साल के डेटा में देखो तो 1616%, 2 साल के डेटा में 335%, 1 साल के डेटा में 106% का जंप किया है स्टॉक ने। 6 महीने की बात करूँ तो 27% के आसपास, और 3 महीने में देखूँ तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, जो कि गिरावट है इसका करीब 5.5% के आसपास, और 1 महीने की गिरावट काफ़ी बढ़ गई जो कि 12% के आसपास हो गई। लेकिन आज के दिन देखें तो आज के दिन सेंसेक्स नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है हल्की फुल्की, लेकिन ये स्टॉक ने 4% की जंप लगा रखी है। तो ये कभी कभार मार्केट के रिएक्शंस के बेसिस पे नहीं होता है, कभी कभार मार्केट रिएक्शंस और स्टॉक के रिएक्शन दोनों अलग अलग दिशा में चलती रहती है। 2 सप्ताह की बात करें तो करीब 7.5% गिरावट है, 1 सप्ताह में देखें तो 7% के पास गिरावट है, जबकि आज ट्रेडिंग सेशन में 4% की ग्रोथ के साथ है ट्रेडिंग कर रही है। हम जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक का जो इन्वेस्टर का पार्ट है इसमें, इस स्टॉक के ऊपर
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं और इन्होंने पोजिशन को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया है। कहाँ इनके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उनके पास जो पोजिशन निकल के आया था, अभी मार्च 24 का डेटा इनका आ चुका है, यहाँ पे अपडेटेड है। तो मार्च 24 में देखने को आती है स्टॉक की जो रेंज इंक्रीज है डिक्रीज हुआ है, उसका रीजन ये हो सकता है, जो इनके पास जो 61% की होल्डिंग थी वो 5% की होल्डिंग प्रमोटर साइड ने अपनी बिकवाली किया है। और प्रमोटर ने जब बिकवाली किया तो ये बिकवाली करके कहाँ गया है, तो वो गया है इनके पास जो FI है इनके पास गया है 7.5% के आसपास की होल्डिंग। DI के पास जो 6% की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर तक वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है और 7.44% के आसपास इनका पोजिशंस इंक्रीज हुआ है जाते जाते। जबकि पब्लिक के पास की बात करूँ, जिनमें DI की बात करूँ, तो DI में कौन ऐसे ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जिसमें से ICICI स्मॉल कैप है एक बड़ी कंपनी, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा मल्टी कैप्स हैं, दो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें अंदर जो इनका पोजिशनल ट्रेड है। साथ में पब्लिक के अंदर देखें तो पब्लिक के अंदर इनका जो देखने हैं तो जिसमें 4% और 3% की होल्डिंग किसी रिलेटिव्स हैं इनके, जिनके पास है, जो कि रेणु सिन्हा और अंगेट्स कुमार हैं जिनके पास होल्डिंग है। बाकी तो कुछ और रिलेटिव्स हैं, वंदना सिन्हा, अजय कुमार, HUF, ये सब उनके इंटरनल फैमिली मेंबर या और कुछ हो सकते हैं जिनके पास कुछ कुछ पोजिशंस हैं। ओवरऑल देखें तो पब्लिक के पास जो आम बची है उसमें से 29% में से करीब करीब 10% की होल्डिंग, 11% की होल्डिंग इनको इन लोगों के पास खुद ही है। तो मान लेते हैं इसका 17% के आसपास जो होल्डिंग है वो आम पब्लिक के पास है, और आम पब्लिक के रिएक्शंस, इसका जो एक्शंस है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है, और ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस जो किया है इनक्रेडिबल किया है। और कुछ पीरियड में जिनका केवल शोरूम्स ओपन होते हैं, और 145 शोरूम अभी ओपनिंग होने वाली है, और अलग अलग स्टेट, खास के 3 स्टेट में ही रन करने वाली स्टॉक इतनी बड़ी तगड़े जंप के साथ, जो कि 6000% का जंप 5 साल में, और नियरली 1 साल में भी 106% का जंप दे चुका है। रियली कुछ पेरियड से ही 1 साल के बाद थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि कई बार होता है मार्केट में कुछ और भी कंप्यूटर उनके साथ और भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका अगला जो हम स्टडी करेंगे इसका एनुअल रिपोर्ट के साथ करेंगे, कहाँ पे कौन से स्टोर के पीछे पीछे इनका कौन पे लॉस चल रही है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, और क्या क्या प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं, और क्या इनकी और क्या से सर्विसेज हैं। आप देख रहे थे बिजनेस ऑफ फाइनेंस ब्लॉग, ये ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस, ओनली द लर्निंग एंड अवेयरनेस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल। आप देख रहे थे बिजनेस ऑफ फाइनेंस में प्रभात। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कि आपके एक सब्सक्राइब होने से हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ती है, हम और भी अच्छे से चाहते हैं कुछ न्यू क्रिएटिव के साथ आपके साथ कुछ नेट डेटा और अवेयरनेस वाली चीज़ें लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।